अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम मशीन डिज़ाइन टू की तरफ आते हैं, जिसमें हम डिज़ाइन ऑफ बेयरिंग, डिज़ाइन ऑफ जर्नल बेयरिंग का एक प्रॉब्लम है ये मैं आपको कराता हूँ, तो हो सकता है कि इससे काफ़ी हेल्प आपको मिल जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि अवाल ब्रेकेट सपोर्ट्स अ प्लमर ब्लॉक फॉर 80 mm डायमीटर। ठीक है, शाफ्ट द लेंथ ऑफ बेयरिंग इज 120 mm, द कैप ऑफ बेयरिंग इज फास्टन बाई मीन्स ऑफ 4 बोल्ट्स। ठीक, फोर, चार बोल्ट्स लगे हुए हैं, दो एक साइड पे और दो दूसरे साइड पे, ऑन टू ऑन ईच साइड ऑफ द शाफ्ट। द कैप इज विद टू स्टैंड अ लोड ऑफ 16.5 kN। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन्स ऑफ द बोल्ट इज 150 mm। डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द बीम बियरिंग कैप। ठीक है, बियरिंग कैप एंड द डायमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द बोल्ट। डिटरमाइन हमने क्या करना है इसमें, थिकनेस और डायमीटर ऑफ द बोल्ट। रिज्यूम सेफ स्ट्रेस स्ट्रेसेस टेंशन फॉर द मटेरियल ऑफ कैप विच इज कास्ट आयरन इज 15 MPa। ठीक है, जो कैप का जो हमारे पास स्ट्रेस है वो कितना, 15 MPa टेंशन टेंसाइल स्ट्रेस, एंड फॉर बोल्ट्स इज 35 MPa। आल्सो चेक द डिफ्लेक्शन ऑफ द बेयरिंग कैप टेकिंग इक्वल टू 110 kN पर मिलीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, गिवन डेटा, मतलब गिवन डेटा हम लिख लेते हैं। गिवन डेटा में हमें क्या बताया इसमें, इन्होंने हमें ब्रैकेट वॉल सपोर्ट्स प्लमर ब्लॉक फॉर 80 mm डायमीटर, मतलब डायमीटर हमें दिया हुआ है 80 mm का। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेंथ हमें दिया हुआ है, लेंथ जो लेंथ है इसका वो हमें दिया हुआ है 120 mm, और ए जो इसके दरमियान में, मतलब इसके दरमियान में हमारे पास ये जो यहाँ से इस नट से लेके इस नट तक ये जो बोल्ट लगा हुआ है, नट बोल्ट, ये इसको हम ए कहलाते हैं। तो ये ए भी हमें दिया हुआ है, ए हमारे पास कितना, ए हमें दिया है 150 mm का, ए इक्वल टू 150 mm। ठीक है, सिग्मा मतलब स्ट्रेस हमें दिया हुआ है, स्ट्रेस किया है, एज्यूम सेफ स्ट्रेसेस एंड टेंशन फॉर द मटेरियल ऑफ द केप विच इज कास्ट आयरन इज 15 MPa। सिग्मा भी हमें दिया हुआ है तो वो 115 MPa के बराबर है। ठीक है, और सिग्मा टी हमें बोर्ड का दिया हुआ है, वो कितना है, 35 MPa। सही है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रिक्वायर्ड करेंगे, मतलब फाइंड करेंगे। तो फाइंड क्या करना, हमने फाइंड हमने करना है रिक्वायर्ड डेटा, सबसे हमें टेक्निक्स मतलब डिटरमाइन हमने करनी क्या, थिकनेस ऑफ बियरिंग कैप डी हमने डिटरमाइन करनी है। दूसरा हमने फाइंड करना क्या, इसका हमने डिटरमाइन, और डायमीटर ऑफ द बोल्ट मतलब डी सी कोर डायमीटर हमने फाइंड करना है, और दूसरा हमने डिफ्लेक्शन ऑफ द कैप, डिफ्लेक्शन ऑफ द कैप वाई हमने ये फाइंड करना है। तकरीबन इसमें तीन फार्मूले लगते हैं हमारे पास। ठीक है, जब टेक्निक्स हम फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो टी हमारे पास बराबर है किसके, टी इक्वल टू हमें पता है कि टी बराबर है हमारे पास 3 PA/2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वी मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, अब हम
अच्छा इसमें एक चीज़ हमने प्रॉब्लम से ये लिखी नहीं है, ठीक है, तो ये मिसिंग है लोड, जो लोड है प्रेशर या वो डब्ल्यू या पी वो हमें बताया है इन्होंने 16.5 किलो न्यूटन, तो वो हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। पी हमारे पास बराबर है किसके, 16.5 किलो न्यूटन, इसको हम डब्ल्यू भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हम अब पुट करेंगे इसमें से सारे वीडियोस को, तो टी इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3 × 16.5 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए जो है हमारे पास 150 mm के बराबर है, तो 150 × 10⁻³ - 3 मीटर, ठीक है, मिली जो है 10⁻³ के बराबर है, और 2 × सिग्मा बी हमें दिया हुआ है 15 MPa, 15 × 10⁻⁶ पास्कल, और मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी हमें दिया हुआ है, लेंथ मेरे पास 120 mm के बराबर है, तो 120 × 10⁻³ - 3, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टी हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, कैलकुलेटर में पुट करते हैं सब, कैलकुलेट कर लेते हैं, टी हमारे पास बराबर होगा 45.4 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको हम स्टैंडर्ड लेंगे, स्टैंडर्ड हमारे पास स्टैंडर्ड के मुताबिक टी जो है बराबर हो गया किसके, 46 मिलीमीटर, ठीक है। अब टी हमारे पास फाइंड हो गया, हमें टी मिल गया, यहाँ से बेयरिंग केप की थिकनेस जो है हमें मिल गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमने फाइंड करनी है डायमीटर ऑफ द बोल्ट, मतलब डी सी को डायमीटर हमने फाइंड करनी है, डायमीटर डी सी को डायमीटर, ठीक है, बोल्ट का को डायमीटर हमने फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, पाई अपन 4 इंटू डी सी का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, नहीं सिग्मा मल्टीप्लाई बाय सिग्मा टी बोल्ट का स्ट्रेस इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय लोड अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट, ठीक है। नंबर ऑफ बोल्ट हमारे पास हमने लिखे नहीं, तो एन हमारे पास कितना, एन जो है एन वो बराबर है किसके, 4 के, 4 बोल्ट लगे हैं जो एक साइड पे 2 दूसरे साइड पे शार्प, सही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें से डी सी को साइड पे कर लेंगे, तो डी सी हमारे पास बराबर हो गया किसके, √, ठीक है, √ आ जाएगा, और 4 × डब्ल्यू पान में आ जाएगा क्या, पाई मल्टीप्लाई बाय सिग्मा टी मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। ये तो सिंपली कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, तो डी सी हम पुटिंग करते हैं इसमें से, क्या पुट इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू हम पुट करते हैं 4 × डब्ल्यू के 16.5 एक्सपोनेंशियल 10⁻³, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे हमारे पास क्या हुआ, पाई मल्टीप्लाई सिग्मा टी हमारे पास कितना, 35 एक्सपोनेंशियल 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो डी सी हमें मिल गया इसका और डायमीटर कितना, 14.2 मिलीमीटर, ठीक। अब तीसरा चीज़ जो है हमारे पास वो क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ द केप, तो डिफ्लेक्शन ऑफ द केप हम लिखते हैं, तीसरा जो लिखते हैं हम क्या, डिफ्लेक्शन ऑफ द केप, ये डिफ्लेक्शन ऑफ द केप, तो टी हमारे पास बराबर है, फार्मूला लिख लेते हैं, √, ठीक है, पी ए क्यूब अपॉन 4 ई एल वाई,
तो ये जो वाई है ये हमारे पास डिफ्लेक्शन है, ठीक है। मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कहा था कि वाई हमने फाइंड करना है डिफ्लेक्शन के लिए, तो वाई हमारे पास बराबर होगा किसके, तो वाई हमारे पास यहाँ पे बराबर होगा 4EL, क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे है, बहुत साइड पे क्यूब लेंगे तो हमारे पास बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। नहीं, वाई जो है हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, पी ए क्यूब अपान 4EL इंटू टी का क्यूब, सही है। इसको हमने रीअरेंज किया, मतलब रीअरेंज किया हमने वाई को साइड पे किया तो ये इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन में हम पुटिंग करते हैं वाई इक्वल टू 16.5 एक्सपोनेंशियल 3, ठीक है। मतलब ए हमें दिया हुआ है तो ये हमारे पास किया है 150, सही है। एक्सपोनेंशियल 3 होल पावर 3, ठीक है। अपान में से क्या आएगा, अपान में आएगा 4E हमें दिया हुआ है 110 10^3, ठीक है। अच्छा एल भी हमें दिया हुआ है 120, यहाँ 120 एक्सपोनेंशियल 10^-3 मीटर, और इसके अंदर जो टी है टी भी हमें दिया हुआ है इनटू टी हमारे पास क्या है, टी हमने फाइंड किया, ये देख ऊपर हमने टी फाइंड किया हुआ है, ये सही है। टी हमारे 46 mm, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 46 एक्सपोनेंशियल 10^-3। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा क्या, वाई इक्वल टू कैलकुलेटर में पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वाई डिफ्लेक्शन जो है वो बराबर होगा 0.0108 मिलीमीटर, सही है, ये हमारे पास आंसर हो गया।